गौतम बुद्ध जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज प्रवचन सुनने आता था। वह अपने प्रवचन में लोभ मोह अहंकार द्वेष आदि छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध श्रावस्ती पहुँचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय का हिसाब लगाकर बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठे क्या तुम श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं कैसे श्रावस्ती पहुँच सकता हूँ? उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। उसी तरह जो अच्छी बातें होती हैं, पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है और उनका अनुसरण करना पड़ता है, उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया, आपने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर आज से ही चलूँगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, आशय यह है कि ज्ञान कोई भी हो वह सभी सार्थक होता है जब उसको व्यावहारिक रूप में जीवन में उतारा जाता है। केवल प्रवचन सुनने या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता।